जितने हिल स्टेशन है वहाँ पे हर जगह ऑटो नहीं चलते, मनाली में ऑटो क्यों चलते हैं? मनाली में 99 से ऑटो है यहाँ पे। अच्छा, बंद नहीं हो उसके बाद? क्योंकि और जगह तो ऑटो कहीं नहीं दिखते। नहीं, और जगह है लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने मनाली में। अच्छा, मनाली में ज्यादा है ना? चढ़ाई है, शिमला में हो गए इनमें, शुरू से नहीं ऑटो उसमें है ही नहीं वहाँ पे। ये विशिष्ट के लिए जाता ना रास्ता। अच्छा, ये जा रहा है, ऊपर चढ़ेंगे हम फिर आपको आने के लिए इजी होगा ढलान में। हाँ, मतलब ढलान से उतर जाएंगे फिर हम वापस। हाँ, मतलब प्लेन है चलने के लिए। अगर बाहर से आते आप तो फिर वो चढ़ाई पड़ेगी ना। अच्छा। तब आप बोलेंगे किसने जाना, बस इस तरह जो ये इसी बात के साथ है। ना ना, चढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो हमने बहुत सारे ट्रैक कर रखे हैं। तो ठीक है, लेकिन देख लो भाई, वो तो पूरा दम लगा रहा है। यहाँ लोगों से पूछते जाएंगे तो अभी पता उत्तर होगा, बता देते थे भाई। अभी वशिष्ठ में हम, और यहाँ पे हो रहा है ट्रैफिक जाम। थोड़ा और ऊपर चलना पड़ेगा हमें, आगे से रास्ता वाटरफॉल जाने के लिए। टेम्पल एरिया स्टार्ट हो गया भाई, यहाँ से आगे भी नहीं जा सकते आप पैदल के अलावा। व्हीकल इज नॉट अलाउड। शिव मंदिर 1 बजे से 2 बजे तक बंद है भाई, और अभी 1 ही बज रहा है फिलहाल। तो भाई मंदिर तो बंद है। ये मंदिर है भाई, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो मंदिर के सामने से रास्ता जाएगा भाई। ये जो गली जा रही वाटरफॉल की तरफ, जोगनी वाटरफॉल और वशिष्ठ में है ये रास्ता। दो रास्ते हैं भाई यहाँ से जाने के, एक आप बांध से जा सकते हो और दूसरा ये वशिष्ठ होके जा सकते हो। चलो भाई, मनाली की गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं भाई यहाँ की। पहली बार अभी मनाली में ऐसे घूमते हैं, इससे पहले कभी ऐसे मनाली की गलियों में कभी पैदल घूमे नहीं है। ये घर देखो भाई, यहाँ के पुराने पुराने मकान है देखो, ये सारे ऐसे। ये बर्फ पड़ी थी जब यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था इसको। ना, ये अलग से जमाई गई दोबारा से बर्फ भाई। ये तो बिल्कुल पुराने मकान है, यहाँ के लोकल लोग हैं। वरा थोड़ा बहुत धर्म के लोग ज्यादा हैं इस साइड। अब यार इस साइड जाना है ना, अब जब यार वशिष्ठ से जाओगे ना वाटरफॉल की तरफ, यार काफी रास्ते आएंगे बीच में, बार बार पूछना पड़ेगा आपको। बार बार दो दो तीन तीन सड़कें अलग अलग हो रही हैं, फिर पता है नहीं। पे दिखा रखे, यहाँ पे साइन बोर्ड मिल जाएगा। अब इस साइड, इस रास्ते पे कोई नहीं है भाई। ये है भाई सेब के पेड़, लग नहीं रहे सेब के बाग हैं, अभी नहीं लगेंगे, वो ले इनकी खेती एक बार। भाई लोग वो तो ठीक रहा, हम आसान रास्ते से आ गए। जो वशिष्ठ से रास्ता आएगा वो भाई थोड़ा सिंपल पड़ेगा, वरना हमारे दोस्त टिन्नू की हालत खराब हो जाती है अगर हम बांध वाले रास्ते से ऊपर चढ़ते, तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा भाई वो। सामने पहाड़ों पे भाई मिलेगी पूरी आपको बर्फ। और वशिष्ठ से निकले अभी हम, 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। थकान तो होगी नहीं इस रास्ते पे आपको, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ट्रैक है तो आसान है चढ़ने के लिए। रास्ते मिलेंगे आपको ऐसे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई मनाली के ऊपर का नज़ारा। नीचे जो दिखाई दे रही है व्यास रिवर, अभी पानी तो इसमें बहुत कम है। कोई से ले ले, स्निकर ले ले। तो भाई आपको है ना, रास्ते में जब जाओगे तो चाय कॉफ़ी चॉकलेट नमकीन वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। और ये भाई ये है जिप लाइन, जिप लाइन भी आप यहाँ पे एक्टिविटी भी कर सकते हो आप कुछ करना चाहो तो भाई। और ऑलमोस्ट ट्रैक पे भी कुत्ते तो हमेशा देखने को मिलते ही हैं जब भी आप जाओगे कहीं भी। भाई ये है ड्राई एप्पल,
50 रुपए का दिया है। ठीक है, टेस्ट वैसे इसका छिलका उतार के उसको काट के उसके बाद उसको सुखा के फिर बनाते हैं। तो भाई अभी एक छोटा वाटरफॉल आ गया, हो सकता है जो अग्नि वाटरफॉल से आ रहा होगा पानी शायद। धीरे धीरे रास्ता और सकरा हो गया भाई। अंतारा से लाइट जा रही है, ये लिख रहा है कि हाई वोल्टेज। देख उस पे लिख रखा डू नॉट टच, सोलर वाली लाइट है भाई। तो भाई ये देख लो, लास्ट में पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के, और अभी आ गए भाई घने पेड़, देवदार के पेड़ लगे हुए चारों तरफ। और पहली बार इस टिन्नो ने कोई सही बात करी है, पहली बार इसने कहा है कि हम ना यहाँ बैठ जाते हैं आधे घंटे के लिए, बाकी सही बात की है इसने। ले भाई पेड़ ही पेड़ दिखी, यो शाहरुख खान यहाँ है, सबसे अद्भुत नजारे भाई, पेड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तन्ने ये काम आस के बस। बात है, इस जगह पे आपको शांति मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं है। अभी हम सिर्फ एक दो तीनों हैं, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ आप अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, और भाई फोटो वगैरह खींच रहे हैं नीचे, तो बढ़िया लोकेशन है भाई ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए। झरने की आवाज़ आ रही है भाई, आप एक शांत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तपस्या क्षेत्र, मेडिटेशन एरिया। आ गए भाई अपा, अब आ गए वाटरफॉल भाई, यही है मेन जोगनी वाटरफॉल जहां हम पहुंच चुके हैं। अगर लगातार चलोगे तो एक घंटे में आ जाओगे, हमें भाई 2 बज गए, हम बड़े आराम आराम से आए भाई। एक रास्ता भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते कहां पहुंचाएगा हमें ये। और ये उधर भाई आग भी लगा रखी है, थोड़ा संभल के आना भाई। अब के बार गौरव हमारे साथ नहीं है, और भी ऊपर है भाई, ये लोग देखो यहाँ इधर भी जा रहे हैं, तो हमें और भी ऊपर जाना है, इसका मतलब और ऊपर है वाटरफॉल भाई। यहाँ पे काफी सारे रास्ते हैं भाई, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है नीचे की साइड में, एक इधर से हम आए हैं इधर से, और ये वाटरफॉल की तरफ, यही है जोगनी वाटरफॉल। अब वहां चलते हैं भाई, आ जाओ कम ऑन। कितनी प्यारी आवाज आ रही है भाई, पानी की सरसराहट आपके मन को मन मोह लेगी। भाई वाटरफॉल के बिल्कुल पास आ गए हम, इतने पास आ गए, कोई नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ओ इतना ठंडा पानी, मर गया। वाह भाई वाह, एकदम ठंडा पानी है, एकदम ठंडा पानी। बिस्मक जाना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा भाई। भाई कहाँ जाएंगे हम, वहां जाएंगे, जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, बड़े रहे
भाई आप देख सकते हो जोगनी वाटरफॉल से आ रहे हैं और हम बिल्कुल पास आ चुके जोगनी वाटरफॉल के। वहाँ से भाई चल के चढ़ चुड़ के बहुत इतना आसान नहीं यहाँ तक आना, लेकिन हम आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम और आगे जाने का सोच रहे हैं, अभी और आगे चलते हैं भाई। गाँव में तो पत्थर भाई स्लिप हो रहे हो, आराम से पीछे पर आके निकालकर। बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बड़ा ठंडे हो एकदम ठंडे। मज़ा आ गया भाई यहाँ पे, जरूर आना भाई साहब। इतना ठंडा पानी आ रहा है, हवा तो ठंडी नहीं चलती, बाकी ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा भाई। उस पानी तक वहाँ तक जाके आयो मैं, अभी हिमांशु जा रहा है वहाँ पे। है तो रिस्की क्योंकि भाई ये तो इतने पेड़ है ना, ये पत्थर सारे स्लिपरी हो रहे, फिसलन है यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे गया, मेरे पैर देख लो लाल हो गए, इतने ठंडे हो गए पैर। तो भाई आ जाना यहाँ पे, लेकिन वाटरफॉल का नज़ारा बहुत मस्त है यार सही में। ये हमारे हिमांशु, अब फोटोग्राफी करवाएंगे। वह सामने के पहाड़ों पे ऐसा लग रहा है मौसम हो रहा खराब, और ऐसा फील हो रहा है जैसे वहाँ पे स्नो फॉल हो रही हो भाई। वाटरफॉल से हम आ गए वापस, और अभी हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि भाई ठंड बढ़ गई है और धूप भी चली गई है, और काफ़ी देर से हम पानी निकल, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी एक चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, दूसरे रास्ते से जाएंगे हम नीचे की तरफ भाई। तो भाई ये वापस उतरने का रास्ता, ये थोड़ी सी इसमें चढ़ाई ज़्यादा है इस रास्ते पे, क्योंकि अब नीचे उतर रहे हैं ना तो पता लग रहा है। और जिस रास्ते से हम आए थे उसमें चढ़ाई कम है, और इस साइड भी देख लो भाई बर्फ, सारे पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। तो अब की बार मनाली में अच्छी बर्फबारी हुई है भाई।